इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नरसिंहानंद जी। यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है, शनिदेव मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे आज रुड़की अब के माध्यम से, किस बात को लेकर आपने प्रेस वार्ता यहाँ रखी? देखिए, हम लोग पदयात्री हैं, एक पदयात्रा कर रहे हैं सर। हमारा एक छोटा सा कारवां है अन्ना संतों का। हम लोग, हमारे भाई हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, वो जेल में बंद हैं। हम उनकी रिहाई के लिए जो है दिल्ली तक जा रहे हैं, और दिल्ली हम राजघाट जाएंगे गांधी की समाधि तक, और वहाँ जाकर आमरण अनशन करेंगे। जब तक हमारे भाई जितेंद्र नारायण सिंह छूट नहीं जाते, हम आमरण अनशन करके वहीं बैठे रहेंगे दिल्ली में। आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, विवादों में रहे थे आप, कुछ बयान देने के? देखिए, मैंने कुछ बयान नहीं दिया था, मैंने जो सच था वो बोला था। मैंने कहा था कि मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश को लील जाएगी और यहाँ से हिंदू ख़त्म हो जाएंगे, और मैं आज भी इस बयान पर कायम हूँ। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का साइन है। देखिए, एक समय था जब सारी दुनिया सनातनियों की थी, धीरे धीरे इस्लाम ने हमसे सारी दुनिया छीन ली। जो आज से 1400 साल पहले जो भूभाग हमारे पास था, आज केवल उसका 15-16% भूभाग हमारे पास है, 84-85% भूभाग हमसे छीन लिया गया है। तो ऐसे में ये हमारी अंतिम शरण स्थली है। अगर हम लोगों को यहाँ भी भगाया जाने लगा, यहाँ भी हम लोग नहीं रह पाए, तो भाग के जाएंगे कहाँ? ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। हमने यही प्रश्न हरिद्वार में धर्म संसद के माध्यम से सारी दुनिया के सामने रखा, उस पर जिहादी जो है हमसे चिढ़ गए। अब जिहादियों की इस समय ताकत बहुत बड़ी है, वोट बैंक हैं वो, और उनकी वैसे भी राजनीतिक और सामाजिक ताकत बहुत बड़ी है, तो उन्होंने हमें जेल में डलवा दिया, बाकी मेरा कोई दोष नहीं था। जैसे आप अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, क्या आपको लगता है ये देश सबका है, सबका रहने का अधिकार है यहाँ का? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारा रहने का अधिकार क्यों छीनना चाहता कोई? भाई, ये देश बंटवारा हुआ हिंदू मुस्लिम के आधार पर। हमने यहाँ मुसलमानों को अपनी मर्जी से रखा ना, उस समय हमने अपनी मर्जी से रखा ना कि भाई तुम भी रह जाओ, लेकिन आज वो कहते हैं कि हम जनसंख्या बढ़ा के सबको खा जाएंगे। तो मैं ये तो कहता हूँ, देश सबका है, सबका, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया सबके लिए है, पूरी दुनिया सबके लिए, पूरी दुनिया में सभी लोग रहने चाहिए। सरकार भाजपा की है, जब आपकी गिरफ्तारी हुई भाजपा का आपको समर्थन नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मैं इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सरकार किसकी, मेरी सरकार से लड़ाई नहीं, मेरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि भाजपा हर वक्त हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, कि संस्कृति की बात करती है, उसको लेकर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब तुम सनातन की बात करते हो, तुम हिंदुत्व की बात करते हो, तो तुम्हारे मुद्दे धर्म संसद में उठे थे। जिन मुद्दों पर वो बात करते हैं, वही मुद्दे तो हमने धर्म संसद में उठाए थे। आपको ध्यान हो कि जब ये उत्तराखंड का चुनाव था, तो आखिरी फेस में यहाँ उन्होंने लैंड जिहाद की बात की, लव जिहाद की बात की, समान नागरिक संहिता की बात की, और जनसंख्या जिहाद की बात की। यही बात तो हम धर्म संसद में कह रहे थे। वो तो यूपी में अब भी हो रही है, गर्मी निकाल देने वो कह रहे हैं, कभी कुछ बयान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये तो वो भी अब भी कह रहे हैं। और देखिए, हमें जेल में डाल दिया इन्हीं बातों के लिए। तो आप उनसे पूछो ना कि भाई तुम जो बातें तुम कहते हो उन्हीं बातों के लिए तुम दूसरे लोगों को जेल में डाल दो, ये चक्कर क्या है? ये उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? देखिए, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी कहा था कि जो भाजपा के मुद्दे हैं, हम उन्हीं मुद्दों पर तो बात कर रहे थे। अंतर इतना ही है कि वो उन्हें ये मुद्दे केवल चुनाव के समय याद आते हैं, हम इन मुद्दों पे हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ये उनका स्टैंड है भाई, ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई ये जो आदमी तुम्हारी बात कह रहे हैं, तुम्हारे मुद्दों पे बोल रहे हैं, या तो उनको ये लगता हो कि उन मुद्दों पर उनके सिवा किसी को नहीं बोलना चाहिए, और उन मुद्दों पर चर्चा केवल चुनाव के समय होनी चाहिए, तो उन्हें, मैं अपनी नहीं कह रहा, उन्हें शायद ये लगता हो कि उनके सिवा अगर कोई इन मुद्दों पर बोलेगा तो उसे जेल जाना चाहिए। नहीं, सरकारी आदमी ने कहा हमें जेल में, सरकारी आदमी ने तो डाला था हमें जेल में, सरकारी आदमी ने डाला था, पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था ने। मैं 1 महीना 2 दिन जेल में रह गया हूँ, और हमारे जितेंद्र त्यागी जी अभी भी जेल में हैं। तो उनकी रिहाई के लिए आप दिल्ली तक जाने को तैयार हैं? नहीं, दिल्ली तक जा ही रहे हैं हम लोग, हम पदयात्रा दिल्ली तक कर रहे हैं। दिल्ली में जाके हम महात्मा गांधी की समाधि पर अनशन करेंगे, हमारा यही मोटिव है, हम इसी। आपको पैर में चोट भी लगी है सर, आप पदयात्रा कर रहे हैं? देखिए, पदयात्रा तो मेरे साथी कर रहे हैं, मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ हूँ इस समय, लेकिन मेरे सारे सन्यासी साथी पदयात्रा कर रहे हैं, बारी बारी से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। देखिए, अब जो भी होना है, मैं तो योगेश्वर का मानने वाला हूँ, होना सब उसकी इच्छा से जो होना, लेकिन हमारा काम है प्रयास करना, हम प्रयास में कोई कसर नहीं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस जज्बे के साथ आप जा रहे हैं, जबकि आप के जो पैर हैं वो चलने लायक नहीं है? हर हर महादेव। मैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को और सनातन समाज के लोगों को ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि तुम कम से कम मुझे देख के ही कुछ सीख लो कि महाराज जी जिस कार्य को आज करने जा रहे हैं, जो सत्य सनातन की सच्चाई इन्होंने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को बताई, तो जब उन्होंने सच को जाना तो, और उन्होंने खुद भी अध्ययन किया, उसके आधार पे उन्होंने सच को जान के सनातन धर्म में वो आए, और उस सनातन धर्म में आए हुए व्यक्ति को
अगर हम ऐसे प्रताड़ित करेंगे कि उसका कोई कसूर भी नहीं है, जो बातें उसने पहले बोली, किताब तक जिनके ऊपर लिखी, जिन आयतों को लेकर वो कोर्ट तक गया 26 आयतों को लेकर, तब उसको कोई जेल नहीं हुई, तब उसको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अब जैसे ही वो सनातन धर्म में आया, उन्हीं बातों को लेकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे तो यही साबित किया जा रहा है अगर कि कोई हिंदू बनेगा तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा। तो ऐसी समय में तो मेरा तो यही कहना है, मेरे से सीख लो, मैं महाराज जी के साथ चला हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं है, मैं गांव का सीधा साधा साधु हूँ। लेकिन महाराज जी को मैं पर्सनल कई बार इनके पास आया गया हूँ, तो इनकी आत्मा में जानता हूँ, ये सच ही बोलते हैं, डरते भी नहीं है और सच के लिए ही चलते हैं। तो मेरा धर्म बन जाता है कि मैं इनका साथ दूँ। तो इनका जो है पाँव में चोट लग गई थी, तो इसलिए इस यात्रा का जो है मैं मुख्य रूप से इस यात्रा को मैं लेके चल रहा हूँ। महाराज जी हमारी साथ में कांवड़ डाक की तरह चल रहे हैं, और हम श्री जितेंद्र नारायण त्यागी जी के लिए हम ये नहीं बोलते कि हमको छुड़ा ही लेंगे या हम उनको रिहाई करा लेंगे, सरकार पे दबाव बना लेंगे, लेकिन हम इनको इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चाहे कोई ना आए, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके लिए, आपके सम्मान के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। हर हर महादेव। अब क्या कहना चाहेंगे, इस यात्रा का आप भी हिस्सा हैं, क्या कहेंगे? परम पूज्य श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जो सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे, जब उनका नाम वसीम रिजवी जी था, लेकिन अभी शुद्ध सनातनी हैं, उन्होंने 1400 साल के पिछले 1400 साल के मानवीय इतिहास में सबसे हिंसक समाज को एक्सपोज किया, जो कि एक धर्म बता करके निर्दोष लोगों को मारते हैं, निर्दोष लोगों की बहन बेटियों को लूट लेते हैं। जैसे ही वो बताना चालू किए तो उनके खिलाफ तरह तरह के मुकदमे हो गए, लेकिन जब तक वो मुसलमान बन करके रहे, किसी ने उनके ऊपर हाथ नहीं लगाया। जैसे ही वो सनातन धर्म में महाराज जी, श्री हमारे नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जी के सानिध्य में आकर के सनातन को अपनाए, तो सारे लोग हावी हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन पूरी ही तरह से मर गया है, सनातन के लोग तो अपने, लेकिन भाजपा हिंदुत्व की बात करती है और उन्हीं के राज में ऐसा कुछ हो रहा है। अभी यही तो आश्चर्य है कि हिंदू और हिंदुत्व में, जैसे राहुल गांधी ने हिंदुत्व हिंदू में बंटवारा किया, मोहन भागवत आकर के बोल गए कि हरिद्वार में धर्म संसद करने वाले हिंदुत्ववादी नहीं थे, तो मोहन भागवत अगर किसी को सर्टिफिकेट दे देंगे तो हम थोड़े मान लेंगे। मोहन भागवत से पहले जो लोग अपने आप को हिंदुत्व नहीं कहते थे, भगवान राम कृष्ण, वो क्या हिंदू नहीं थे? तो मोहन भागवत जी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है, हम उनके आश्रय पर नहीं हैं, हम अपने धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या मरेंगे। कृष्णानंद जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? जी हर हर महादेव। और ये यात्रा हमारी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, और जो व्यक्ति अपने लिए जीता है वो तो एक पशु पक्षियों में से भी होता है, और जो हमारा सच्चा सन्यासी का एक कर्तव्य बनता है, वो कम से कम हमारा तन मन धन से आज सपोर्ट करने की आप सकता है। और जब पांच पांडवों ने दुर्योधन से पांच गांव मांगे थे और बोला था कि हमें नहीं चाहिए आपकी राजधानी, हमें नहीं चाहिए इंद्रप्रस्थ, हमें आप पांच गांव दे दो, तो हम सब का एक कर्तव्य है कि हमें अपने मुल्क में अधिकार उतने ही चाहिए जितना एक किसी पशु पक्षी को पेट भरने का अधिकार है। ऐसे ही हमें हर इंसान को, हर धर्म रक्षक को, हर भारत में रहने वाले का हक उतना ही है जितना एक आम आदमी का होना चाहिए, और आत्मरक्षा करने का हमारा सबका एक प्रयास रहता है, हैं तो हम क्यों ना अपने आगे चल के आने वाली पीढ़ी को हम ये प्रेरणा दें कि कम से कम हम लोगों की निकल गई कोई बात नहीं, लेकिन पर तुम तो अपना जीवन बचाने का कोई उपाय करो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि स्वामी पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में, और इनसे मुझे जो प्रेरणा मिली है, कोई बात नहीं मुझे आँखों से नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, लेकिन पर एक कहते हैं कि सूरदास जी महाराज जी निकल रहे थे तो वो लांटेन लेके निकल रहे थे, और उनसे लोगों ने पूछा, स्वामी बोले सूरदास जी आपको तो दिखता नहीं है, आप क्यों लांटेन लेके निकल रहे हैं? उनका उद्देश्य ये था कि कम से कम मुझे तो नहीं दिख रहा, लोगों को तो मेरी लांटेन दिख जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनसे ये प्रेरणा लेना चाहिए कि आगे बढ़ चढ़ के इस पग यात्रा में या इस सनातन धर्म में
और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का प्रयास करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों को साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। नहीं देखिए, अनशन नहीं करते, अनशन हमने किया जितने अपनी गिरफ्तारी से पहले, उसके बाद हमने अनशन नहीं किया। और जहाँ तक हरिद्वार के संतों का सहयोग की बात है, हरिद्वार के संतों ने बहुतों ने हमें फ़ोन करके बताया कि वो मन से हमारे साथ हैं, लेकिन अभी आप जानते ही हैं कि अभी धर्माचार्य जो है इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान नहीं रहे हैं। देखिए ये भी हो सकता है, राजनीतिक का दबाव भी हो सकता है, राजनीति दबाव डालती है, आप जानते हैं राजनीति दबाव डालती है। लेकिन कुछ भी खैर कुछ भी कारण हो, लेकिन जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी का सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान उनका नहीं हुआ, उनका अपमान किया गया, उनका हिरास किया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।